क्वेश्चन नंबर 25। हमने ये क्वेश्चन में 23, 24 और 25, ये तीनों क्वेश्चन क्या है, कोरिलेटेड है। अब कोरिलेशन मैथ वाला फॉर्मूला मत समझना, कोरिलेटेड मतलब इनके जो फैक्ट्स हैं वो मिलते जुलते हैं। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कंटिन्यूइंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर दिस, कंटिन्यूइंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर दैट, तो उस टाइप के क्वेश्चन है। क्या ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है? आंसर इज येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर इम्पॉर्टेंट है तो क्या हमें करना चाहिए और कब करना चाहिए? अभी करना चाहिए। तो बिना कुछ और बोले बस एक बात बोलिए कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बड़ा ही अच्छा लगेगा। और लाइक कर दीजिए वीडियो को प्लीज़, अगर वीडियो पसंद है। और शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि हम अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं आपके पास जो बेस्ट अवेलेबल वैल्यू एडिशन हम लोग कर सकते हैं आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, वो कराने के लिए। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोग ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो और हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि नए लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जो भी हम काम कर रहे हैं वहाँ तक हमारा मैसेज पहुँचेगा। बस यही है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हम लोग पहले क्या देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले जाते हैं नीचे क्वेश्चन के, जो जनरली वहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि क्या बनाना है, प्रिपेयर करना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके, अभी तक तो वही बना रहे थे, यहाँ पे भी वही बना देंगे। कब तक के लिए? एज ऑन 31 मार्च 2003 के लिए। ऑफ ग्रुप ऑफ एंटिटीज मतलब जो ब्लू हेवन और ऑरेंज हो गए, ऑरेंज काउंटी लिमिटेड जो दो कंपनी हैं उनका कंबाइंड बेसिकली कंसोलिडेटेड बनाना है। तो CBS बनाना है, ये माइंड में क्लियर हो गया। CBS का आप कंप्लीट बैलेंस शीट भी बोल सकते हैं, ऑल्दो दैट इज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। शुरू करते हैं। फैक्ट्स आर द सेम एज इन द क्वेश्चन अबव। जो क्वेश्चन नंबर हमने किया लास्ट वाला 24 और 23 उससे रिलेटेड, क्योंकि 24 बोलता है कि फैक्ट्स आर सेम इन द क्वेश्चन अबव, तो ये वाली लाइन बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन क्या बोलता है और उसके प्रीवियस क्वेश्चन में क्या है। द फैक्ट्स आर द सेम एज इन द क्वेश्चन अबव, तो मतलब ये फैक्ट्स कहाँ से ले रहा है? ऊपर वाले क्वेश्चन से। तो अब ये फैक्ट्स हैं। अब इस फैक्ट में एक पॉइंट जो हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 23 है ये, इसमें हमने रीवैल्यूएशन किया था 300 और 100 का। तो क्या ये हमारे क्वेश्चन में होगा? फेयर वैल्यू दिया हुआ है, ये दो रीवैल्यूएशन थी, एक इन्वेंट्री की थी और एक बिल्डिंग की थी। ये 300 से इंक्रीज़ हुआ था और ये 100 से इंक्रीज़ हुआ था। तो क्या इसको हम लोग कंसीडर करेंगे जब अपना सीना बनाएंगे? दैट मीन्स जॉन सीना नहीं, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। आंसर इज येस। ओके, तो पहली चीज़ आप क्लियर कर लीजिए यहाँ से। पहले लाइन में ही बहुत कुछ था क्वेश्चन के जो मैं आपको बताना चाहता था। अब क्वेश्चन में ये कहीं नहीं लिखा है कि रिवैल्यूएशन करना है, मतलब ICI ने रिवैल्यूएशन किया है और फेयर इनफ अगर कुछ करना ही नहीं रहता तो क्वेश्चन देता ही क्यों? तो आप इस पर झगड़ा नहीं कर सकते कि रिवैल्यूएशन कहीं दिया हुआ नहीं, हम लोग करेंगे या नहीं करेंगे। तो अगर यहाँ पे लिख दिया कि फैक्ट्स आर सेम एज इन द क्वेश्चन है, वो मतलब उस क्वेश्चन में था तो इस क्वेश्चन में भी तो होगा। क्लियर है? अगर पूजा की आवाज़ आ रही हो शंख की और घंटी की तो उसके लिए सॉरी, घर में पूजा हो रहा है अभी, अर्ली मॉर्निंग नहीं है ये। कितना टाइम हो रहा है? घर में लेट पूजा होता है मेरे, ये हो रहा है 10:50 आई गेस। तो फिर ये रहा, कभी कभी जल्दी भी हो जाता है थर्सडे को। ओके, आगे बढ़ते हैं। ब्लू हैपन्स लिमिटेड एक्वायर 75%, तो इसमें NCI होगा। आंसर इज यस, NCI। जैसे ही हम लोग देखते हैं परसेंटेज कम है तो NCI वाला बात छोड़ देते हैं। ऑफ ऑरेंज काउंटी लिमिटेड, जिसके लिए उन्होंने 4,500 लाख पेमेंट किया है, कोई बात नहीं। एट 31 मार्च 2003, दैट इज़ 1 ईयर आफ्टर ब्लू हेवन लिमिटेड अक्वायर्ड थर्ड। अब एक्विजिशन डेट अगर प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग देखें तो एक्विजिशन डेट थी ये 31 मार्च 2002, तो ये है एक्विजिशन डेट, वो है। और ये है आज की डेट पे जिस जहाँ पे हमें CBS बनाना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, ठीक है। सो ये कंसोलिडेशन डेट है, ये एक्विजिशन डेट है, दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई।
फिर बात करते हैं द इंडिविजुअल स्टेटमेंट जो इनके दिए हुए हैं उसमें क्या क्या है। नॉन करेंट एसेट में आपका बिल्डिंग एंड अदर पीपी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन ऑरेंज काउंट, ये इन्वेस्टमेंट मतलब 4,500। करेंट एसेट में इन्वेंट्री है और ये इनकी बैलेंस शीट है। ये सारा 31 मार्च का बैलेंस दिया हुआ है, अगर आपको ऊपर दिखा लिखा हुआ भी है 31 मार्च 2003, ये सारा बैलेंस उस डेट का दिया हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल इजी इजी, कैश कैश, अब कैश में एक एडजस्टमेंट जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में की थी कि हमने 6,000 जो क्वेश्चन नंबर 23 में इन्वेस्ट किया था तब 100% शेयर होल्डिंग हमने ली थी, फिर 24 में हमने 75 घटा ली थी 4,500 करके, तो हमारे पास 1,500 जो कैश बच गया था उसको हमने कैश बैलेंस में ऐड कर दिया था। तो क्या इस क्वेश्चन में वो पहले से एडेड है? आंसर इज यस, 1,500 का एडजस्टमेंट पहले से हो रखा है, तो वो एक डाउट आपका आ सकता है, इसलिए मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया। फिर लायबिलिटीज़ में आते हैं, लायबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल है और रिटेन अर्निंग है, क्लियर। करेंट लायबिलिटीज़ में ट्रेड पेएबल 350 170, ओके, तो टोटल मैच हो गया। तो ये आपकी बेसिकली अभी तक हमने क्या देख लिया, एसेट लायबिलिटी मतलब इनकी सेपरेट बैलेंस शीट देख ली, स्टैंडर्ड लोन बैलेंस शीट देख ली हमने। अब कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पे दिया हुआ, इनकम स्टेटमेंट है बेसिकली। तो बोलते हैं रिवेन्यू 3,000 की हुई, इनकी 1,900 हुई, कॉस्ट ऑफ सेल 1,800, 1,000 ग्रॉस प्रॉफिट इन्होंने इतना कमाया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इन्होंने इतना किए, प्रॉफिट फॉर द ईयर इनका 800 और 550 है, कोई बात नहीं, डिटेल दी हुई है। नोट, ब्लू हेवेंस लिमिटेड इज अनेबल टू मेक रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द यूजफुल लाइफ ऑफ द गुडविल एंड कॉन्सिक्वेंटली द यूजफुल लाइफ इज प्री अज्यूम टू बी 10 ईयर्स, 10 ईयर मान लिया गया। ये बोले कि ये रिलायबल एस्टिमेट नहीं बना पाए गुडविल को, बेसिकली यहाँ पे बोले अमोर्टाइज करने के लिए, जबकि गुडविल होता है इम्पेयर्ड, लेकिन जैसा क्वेश्चन में बोला गया हम वैसा करेंगे। ब्लू हेवेंस लिमिटेड यूजेस द स्ट्रेट लाइन मेथड अमोर्टाइजेशन, SLM अमोर्टाइज कर रहे हैं SLM से, अब फॉर गुडविल हम लोग कर देंगे द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। अब ये है एडजस्टमेंट नंबर वन, अब आ रही है एडजस्टमेंट नंबर टू। द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू द बिल्डिंग एंड अदर PPE इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, द फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टू द बिल्डिंग एंड अदर PPE इज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द बिल्डिंग, ऑल्ड बिल्डिंग हैज़ बीन एस्टिमेटेड अ यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम 31 मार्च 2002। 31 मार्च 2002 अभी नहीं दिख रहा, तो मेरे को थोड़ा सा इसको स्लाइड को, ओके यहाँ पे 31 मार्च लिखा हुआ वो नहीं हो रहा अभी, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एंड एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू मतलब कि बेसिकली एडजस्टमेंट नंबर टू बोल रहा है कि जो सारे बिल्डिंग हैं, द फेयर वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट टू द बिल्डिंग, जो फेयर वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है, जैसे कि एक बिल्डिंग है हमारे पास जो कि हम 300 से उसको फेयर वैल्यू पे लाएंगे, फेयर वैल्यू जो एडजस्टमेंट करेंगे उसके लिए हमें एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा जो कि हमने नहीं किया है, उसके लिए 20 ईयर्स एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ और रेसिडुअल वैल्यू जीरो है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट है, मतलब फेयर वैल्यू पे लाने के बाद हमें जो एडजस्टमेंट करनी है वो ये है, क्लियर है। तो ये एडजस्टमेंट नंबर टू है, ये एडजस्टमेंट नंबर वन SLM मेथड से, ओके। द इन्वेंट्री, अब ये है एडजस्टमेंट नंबर थ्री, बोलता है कि द इन्वेंट्री हेल्ड बाई ऑरेंज काउंटी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द 2003। अब ये थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है और नई भी है। इसमें क्या बोलता है कि जो प्रीवियसली हेल्ड ऑरेंज लिमिटेड की इन्वेंट्रीज थी उसको सोल्ड कर दिया गया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, जब इन्वेंट्री आपने सोल्ड कर दी है तो उसके बारे में हम लोग इस क्वेश्चन में सीखेंगे। तो एडजस्टमेंट नंबर वन, एडजस्टमेंट नंबर टू, एडजस्टमेंट नंबर थ्री। तो पहली एडजस्टमेंट क्या है, हमें क्या करनी है, गुडविल को अमोर्टाइज करना है। दूसरी एडजस्टमेंट हमें क्या करनी है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हमें करनी है, जो फेयर वैल्यू पे हम एसेट को लाएंगे, मतलब बेसिकली जो रीवैल्यू करेंगे एसेट, जो एक्स्ट्रा रीवैल्यूएशन होगा उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना पड़ेगा। और तीसरी है इन्वेंट्री सोल्ड।
और अगर आप एक एडजस्टमेंट बोले तो हमें रीवैल्यूएशन तो करना ही करना है। क्लियर है? सीबीएस बनाने का रास्ता कहाँ से जाता है? आपके जॉन सीना से होके जाता है, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। फिर अपने गुडविल निकालते हैं, गुडविल में एनसीआई कैलकुलेट करते हैं, फिर अपने कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस बनाते हैं, फिर सीबीएस बनाते हैं। अभी तक ऐसा करते हुए आए हैं। तो ये हमारा है 1, 2, 3, 4, 5, ऐसा बोल सकते हैं वर्किंग नोट्स। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने। जहाँ पे भी कोई भी डाउट हो आपको ज़रूर पूछेगा, पहले सॉल्व करिए। सॉल्यूशन तो अपने क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। संघ की आवाज आ रही है तो हाथ जोड़ लीजिए, हम भी जोड़ लिए हैं। इतना लंबा बजाते हैं, बोलो। स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। सो यहाँ पे अपने क्या लिखते हैं, डेट ऑफ एक्विजिशन जो कि है 31 मार्च 2002। फिर इसमें आते हैं चेंजेस, डेट ऑफ कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन डेट जो कि है 31 मार्च 2003। अब यहाँ पे आता है शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग। तो एज ऑन 31 मार्च 2002 का क्या है, उसको देखने के लिए हमें देखना होगा प्रीवियस डेटा, क्योंकि इसमें तो 31 मार्च 2003 का दिया हुआ है। तो उसके लिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में जो कि है यहाँ पे। तो इसकी रिटेन्ड अर्निंग क्या है और शेयर कैपिटल, तो 2000 और ये 2300, तो इन दोनों को लिखते हैं। ओके 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 ओके। और 25 में देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग के लिए यहाँ पे लगेगा। तो क्लोजिंग में है अपना 2000 और 2850, तो मतलब रिटेन्ड अर्निंग में चेंजेस में बैलेंस आएगा। तो ये हो गई शेयर कैपिटल अपनी 2000 2300। इसमें कोई चेंज नहीं है शेयर कैपिटल में, ये आ गई है 2850, तो इसमें है 550 का चेंज। क्लियर है? तो क्या इसमें टाइम एडजस्टमेंट होगा? चेंजेस देखो 31 मार्च का है, तो एक दिन के लिए क्या टाइम एडजस्टमेंट करेंगे, मतलब एक साल के लिए। चलिए देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल 4300, 550। फिर करते हैं रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन हम लोग करेंगे दो चीज़ का, बिल्डिंग का, और हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे इन्वेंट्री का। जैसे हमने स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन में पहले से बता दिया था कि 300 से ये बढ़ेगा और ये 100 से बढ़ेगा, तो हो जाएगा 4700। और इसमें कोई रिवैल्यूएशन नहीं होगा, लेकिन हर बात में लेकिन होता है, तो यहाँ पे भी होगा। अब जो हम लोगों को एडिशनल एडजस्टमेंट करनी थी, सिस्टम हैंग कर रहा है क्या? हमने दो चीज़ें बताई थी कि एडिशनल डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग चार्ज करेंगे एडिशनल डेप्रिसिएशन, जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर टू थी। बोला कि फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें 20 साल का, उसका डिटेल मतलब बोला एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कर लेंगे, हम लोग क्वेश्चन में दिया हुआ हमको करना है। तो उसके वजह से हमारा प्रॉफिट कम होगा डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डेप्रिसिएशन माइनस में जाएगा। सो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना होगा, डेप्रिसिएशन 300/20 और 1 साल, तो ये आ जाएगा 15। और हम लोग माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इन्वेंट्री को यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब जो ये एडजस्टमेंट है,
ये इसको ऐसे समझिए कि ये बोल रहे हैं कि हमने इन्वेंट्री को शोल्ड कर दिया, तो उससे इनको क्या कमाए होंगे, इनकम। तो उस इनकम से हमें प्रॉफिट निकालने के लिए, उस सेल से, मान लीजिए उस सेल से प्रॉफिट निकालने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस करना पड़ेगा, तभी तो प्रॉफिट आएगा एक्चुअल। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम लोग यहाँ माइनस कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसलिए माइनस कर रहे हैं क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट निकाल पाए। आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल कर दिया, ठीक है, उसकी कॉस्ट को अभी तक माइनस नहीं किया, तो उसको माइनस करना पड़ेगा जिससे हमें एक्चुअल प्रॉफिट आ सके। तो इन्वेंट्री शोल्ड की ये एडजस्टमेंट है, आपको समझनी है। तो ये जो दो हैबी इन्वेस्टमेंट, जो दो हैबी एडजस्टमेंट हुए अभी, ये तो आपको समझ में आ गया कि रिवैल्यूएशन है। ये डेप्रिसिएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये जो दोनों हुई उसके लिए क्वेश्चन में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, जैसे कि एक फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट और ये ही इन्वेंट्री शोल्ड की, तो इन दोनों को हमने अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट कर लिया है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये 4,700 का 4,700 ही रहेगा, 550 था, तो 550 में से 15 और 100 माइनस होगा तो 435 आ गया ये। तो स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट बन गया, और पेरेंट और एनसीआई में इसको करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। तो पेरेंट का कितना परसेंट है, 75, और इनका है 25%। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये वैल्यू है 326.25, और ये वैल्यू आएगी आपकी 108.75, और इसका आएगा 1175, और माइनस करने से जो उसका आएगा। सो बेसिकली हमने स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट निकाल दिया है, जो कि हमारा पहला स्टेप है। मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 23, 24 एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसीलिए मैं इस अगर आप दोनों क्वेश्चन फॉलो कर रहे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो फिर वर्किंग नोट टू बनाते हैं। अपने क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेन ऑन बार्गेन परचेज, कैपिटल रिजर्व, ठीक है, इसमें आएगी इन्वेस्टमेंट्स 4,500 की थी, हम ऐड करते हैं इसमें एनसीआई, अगर एनसीआई नहीं रहती तो हम लोग नहीं लेते, ऐड 25% ऑफ 4,700, जो कि हमारा है आइडेंटिफिएबल नेट एसेट। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी 1,175, माइनस करेंगे INA जो कि है 4,700, तो हमारी गुडविल आ जाएगी 975। सो गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट, अब इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे गुडविल एमोर्टाइजेशन, तो हमारे पास आ जाएगी गुडविल ऑन कंसोलिडेशन डेट। तो गुडविल की अमोर्टाइजेशन की एक एडजस्टमेंट थी, तो उसको हम लोग यहाँ पे एक रिफ्लेक्ट करें, एक जगह और रिफ्लेक्ट करेंगे इसको, तो ये एडजस्टमेंट है गुडविल के, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में, इनटू वन, एक 10 साल के लिए, तो 1 साल का हो गया 31 मार्च 2002 से 31 मार्च 2003 तक के लिए। तो ये है 97.5, मतलब एक्विजिशन डेट से हम आ गए कंसोलिडेशन डेट पे, तो हमारी गुडविल हो गई 877.50। ओके, आगे हम क्वेश्चंस में गुडविल इंपेयर करेंगे, एमोर्टाइजेशन क्वेश्चन में दिया हुआ इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज गुडविल एमोर्टाइजेशन हम लोग नहीं करते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास निकल गई, स्टेटमेंट ऑफ आइडेंटिफिएबल नेट एसेट और कैलकुलेशन ऑफ गुडविल हमने कर लिया। अगर एनसीआई का भी हम लोग टोटल भी निकाल दें वर्किंग नोट थ्री बना के, एनसीआई कितना होगा हमारा, एनसीआई एट पसना ऑन एक्विजिशन डेट कितना है अपना, है 1,175 अभी हमने निकाला था। अब इसमें पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हुआ जो कि है 108.75, तो ये हो गया 1,283.75। ये फिगर कहाँ से आया, 108 वाला,
और 128.75 तो ऐड करके आया, ठीक है। तो वो फिगर आया अपना इधर से, जो चेंजेस हुए, ये जो चेंजेस हैं उसमें से ये एनसीआई में जाएगा और ये यहाँ पे, इसको भी हम लोग ऐड करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस में जो भी पोस्ट एक्विजिशन आएगा। फिर वर्किंग नोट 4 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस। तो पेरेंट का रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन में दिया है, पेरेंट का रिजर्व एंड सरप्लस ऑन 31 मार्च 2003 दैट इज 11,000। फिर पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने किया, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट हमने किया कितना किया, 326.25 का, 326.25 माइनस कर देंगे गुडविल अमोर्टाइजेशन। गुडविल को हम लोग कहाँ से अमोर्टाइज करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग मतलब रिजर्व एंड सरप्लस में हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसकी टोटल अगर लगाएंगे तो आ जाएगा ये 1128.75, 11228। एक्चुअली इसमें हम इंक टू सेव बोल के एक ऑप्शन है वो ऑन कर दिए हैं, इससे क्या होता है ना कोई भी सर्कल बना देता है जैसे उसको लगता है कि सर्कल जैसा है। तो ये गुडविल की एडजस्टमेंट है, और एक बार गुडविल को हमने जो एक्विजिशन डेट पे निकाला था उससे हमने उसको अमोर्टाइज किया था, ठीक है। तो गुडविल एडजस्टमेंट, एक बार रिटेन्ड अर्निंग, गुडविल एडजस्टमेंट कहाँ से होगी, रिटेन्ड अर्निंग से होगी मतलब रिजर्व एंड सरप्लस से, उसको भी हटाना होगा। और एक बार उसकी एक्चुअल फेयर कंसोलिडेशन डेट पे गुडविल निकालने के लिए उसमें से निकालना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर से एडजस्टमेंट पे आता हूँ, एडजस्टमेंट ही मेन है, फिर अभी सीवीएस बना लेंगे, 2 मिनट लगे। अब जो ये गुडविल का प्री अज्यूम कर लिया गया 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स के हिसाब से हमें इसको एमोटाइज करना है एसएलएम मेथड यूज़ कर से। तो हम डिवाइड कर दिए 10, 1 साल का निकाल दिया। फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करना है, 20 साल की यूजफुल लाइफ है और उसकी रेसिडुअल वैल्यू 0 है, तो उस पर 20 साल डिवाइड करके इंटू 1 करके हमने 300 जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई एसेट की, बिल्डिंग और अदर पीपीई की, तो बिल्डिंग एंड अदर पीपीई के रिस्पेक्ट में हमने क्या किया, वो जो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट हुई उसको हमने एडिशनल डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज कर दिया एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। फिर हमने इन्वेंट्री सोल्ड हुई, इन्वेंट्री सोल्ड के लिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दिया, क्योंकि अगर हमने सेल कर लिया है और उसके कॉस्ट को माइनस नहीं किया तो प्रॉफिट बढ़ा के रखे हैं, तो प्रॉफिट को सही करने के लिए हमें माइनस करना पड़ता है। तो बेसिकली वो एक एडजस्टमेंट का लॉजिक है। ओके, अब बनाते हैं अपने कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये रही सेप जो हम ड्रॉ करते तो अच्छा नहीं करते शायद, सीबीएस बना रहे हैं हम लोग ब्लू हेवन के लिए। तो ब्लू हेवन्स लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2003, अरे रुपीज इन लैक्स आई गेस, देख सकते हैं। अभी घंटी बज रही है, चली जाएगी। चलिए तो बनाते हैं अपने, तो ये हो गई एसेट, एसेट में आया नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में आ गई बिल्डिंग, या फिर इसको आप डायरेक्ट पीपी लिख सकते हैं, उसके लिए हम नोट बना देंगे एक पीपी, कंबाइन नोट बन जाएगा। गुडविल हमने निकाला था, गुडविल 877 था आई गेस, पॉइंट कुछ था 877.5। फिर आ जाती है करंट एसेट, बस वैल्यू पुट करना है क्वेश्चन से, इन्वेंट्री इन्वेंट्री इन्वेंट्री
इन्वेंट्री है 1350। अभी हम वैल्यू दिखा देते हैं, जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है एज ऑन 31 मार्च, उसी को ऐड करके लिख दिया गया है बस। अब सवाल ये आया है कि जो इन्वेंट्री सोल्ड हुई उसको माइनस किए या फिर उसके कॉस्ट को माइनस किए, क्यों किए? ये तो सोल्ड हो गई ना, तो जो एज ऑन 31 मार्च जो दिख रही है तो मतलब आफ्टर सेल दिख रही है। तब जब आफ्टर सेल दिख रही है मतलब वो प्योर है, तो प्योर चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं, लिख दिए। तो ये एक चीज़ है इन्वेंट्री के लिए। सर बहुत ही पुजारी परिवार में रहते हैं हम, तो वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहे थे। अब घंटी चली गई तो वेट के लिए शुक्रिया, इसका एडिट नहीं करूँगा फिर। सॉरी, फाइनेंशियल एसेट में आएगा ट्रेड रिसीवेबल, इसकी भी वैल्यू अभी हम ऊपर दिखा देंगे, वैल्यू इसकी भी ऐड करके लिखी हुई है। और फिर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, वो है 5590। ये होगी एसेट की टोटल, ऑल दो इसमें पीपीए हमें कैलकुलेट करना है। फिर आएगी इक्विटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ में, इक्विटी में शेयर कैपिटल, इक्विटी में शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल इसकी दी हुई है 5000 और फिर आएगी अदर इक्विटी, इसके लिए भी हमें नोट बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाएंगे इसके लिए अपने। लास्ट वर्किंग नोट क्या बना था? बनाया हुआ है अपना 11 11 228.75, 11 228.75। अब बस वही यहाँ पे भी इक्विटी के बाद आ जाएगा एनसीआई, एनसीआई अपना कैलकुलेट किया हुआ है 1283.75। फिर करंट लाइबिलिटीज़ में ट्रेड पेबल्स, वो आ जाएंगे 520। तो ये हो जाएगा टोटल लगाने से पहले अपने को लाइन डालना सीखना होगा पहले। फेयर इनफ, ठीक ही है। एक वर्किंग नोट बना लेते हैं अपने, मतलब नोट्स टू अकाउंट पीपीई का। इसमें पी लिमिटेड की जो बिल्डिंग एंड अदर पीपीई है वो 6500 है, जो पेरेंट है या फिर एच लिमिटेड बोल सकते हैं, ऑरेंज लिमिटेड की 2750 है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन कितना का करते हैं, 300 माइनस 15 15। क्यों? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन एडिशनल जो हमने चार्ज किया था, तो ये आ जाएगा 95। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, ये वैल्यू कहाँ से आई, ये तो आप दोनों को पता है। ये वैल्यू भी मैं दिखा देता हूँ, सारा ऊपर बैलेंस शीट में दिया हुआ है।
ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो सारा एक बार बस ये टोटल किया हुआ है, एक बार मैं ऊपर क्वेश्चन में टोटल कर देता हूँ सबके। ट्रेड पेबल के अभी इसको जोड़ेंगे तो 520 आ जाएगा। से कैपिटल दिया हुआ है, ये 11,000 जो हमने कैलकुलेट किया था कंसोलिडेटेड रिजर्व एंड सरप्लस में, तो उसमें 11,000 था, तो उस वो वैल्यू यहाँ पे है, इसको ऐड करेंगे तो 680 हो जाएगा, तो वो भी दिया हुआ है। ये हो जाएगा 5590, तो ये भी हमने ऐड करके लिख दिया हुआ है। इन्वेंट्री 8513 1350 हो जाएगा, तो ये सारी बिल्डिंग है, और ये 6500 और 2750, और उसमें 285 ऐड कर लिया तो आ गया 9535। तो ये सारी डिटेल है जो भी हमने नीचे लिखी उसकी, अब ऐड करेंगे तो ये मैच कर जाएगा। इसका टोटल आएगा 9535 00, इसको ऐड करने से वैल्यू आएगी 18032.50.50, और ये नीचे भी उतना आएगा, और ये आपका क्वेश्चन डन। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या खास था, क्या यूनिक था, समरी बनाते हैं क्वेश्चन का जैसे हम लोग हमेशा करते हैं, तो समरी ऑफ क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में दो अपने को दी हुई थी सेपरेट बैलेंस शीट्स, लेकिन ये जो बैलेंस दी गई थी, बैलेंस शीट दी गई थी, क्या वो फेयर वैल्यू पे दी थी? आंसर इज, ये जो बैलेंस शीट दी गई थी वो फेयर वैल्यू पे थी, बट एज ऑन 31 मार्च 2003। हमें एक्विजिशन डेट के लिए चाहिए था, हमें एक्विजिशन डेट पे निकालना है आइडेंटिफिएबल नेट एसेट, तो उसके लिए जो प्रीवियस डेटा था वहाँ से हमने एंट्रीज फेयर वैल्यू पे ली, और वहाँ से रिवैल्यूएशन किया 300 और 100 की। ओके, अब ये जो दो एडजस्टमेंट हो गई, तीसरी जो दूसरी एडजस्टमेंट बोल सकते हैं वो थी गुडविल एमोर्टाइजेशन की, तो गुडविल को एमोर्टाइज कर दिया। इसका दो इम्पैक्ट गया, एक तो गुडविल एक्विजिशन डेट से कंसोलिडेशन डेट लाने के लिए उसमें से हमने एमोर्टाइजेशन माइनस किया, और इसका जो दूसरा इम्पैक्ट था, दूसरा इम्पैक्ट कहाँ गया, ये गया आपका रिजर्व एंड सरप्लस से माइनस हुआ, क्योंकि तो दूसरा इम्पैक्ट था। तीसरी एडजस्टमेंट हमने की फेयर वैल्यूएशन एडजस्टमेंट, जिसमें हमने फेयर वैल्यू पे एडिशनल, फेयर वैल्यू जो हुआ उस पे एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज किया। चौथी जो एडजस्टमेंट की हमने इन्वेंट्री शोल्ड हुआ, तो ये थोड़ा सा यूनिक और नया था, और बाकी तो सारे पुराने ही थे, ये भी नया था, ये भी नया है, ये आई गेस पहले भी किया हुआ था। तो इन्वेंट्री शोल्ड में हमने पहली चीज़ तो ये समझनी पड़ेगी कि जब हमने सोल्ड कर दिया तो उससे हमने इनकम कमाया, तो इनकम कम ज़्यादा दिखा के रखे हैं, तो उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे उसके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को, तो जिससे कि एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगी। इसलिए हमने जॉन सीना वाले स्टेटमेंट में क्या किया था, माइनस कर दिया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्लियर है, बस यही था एडजस्टमेंट। और उसके बाद अपने बना दिए थे CBS, और CBS में कुछ था नहीं, CBS में हमने रिजर्व एंड सरप्लस में NCI दिखाया था, अदर इक्विटी में रिजर्व एंड सरप्लस अदर था, बस। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले फेज़ में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और नए क्वेश्चन लेके, और वो क्वेश्चन होंगे जैसे जहाँ से ICICI सीक्रेट तौर पे क्वेश्चन पूछता है हमसे, ये बोलते हैं ना क्वेश्चन कहाँ से आ गया, अपने स्टडी मैट में था ही नहीं, तो वो जो क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसका नाम है, हम लोग अगली वीडियो में बताएंगे, वो क्वेश्चन भी करेंगे।
उसके और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें सब्सक्राइब करने के लिए, और अगर अभी तक आपने नहीं किया तो आप कर लीजिए। हमारी पूरी कोशिश है जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको अवेलेबल करा दें आपके एग्ज़ाम के लिए, जिससे आपकी भी हेल्प हो और भी बहुत लोगों की। तो और भी बहुत लोगों की हेल्प करने के लिए आप इसे शेयर कर सकते हैं। बस अब इसमें अपने को क्या करना है, रिकॉर्डिंग को स्टॉप, तो उसके लिए अपने जाते हैं इधर, स्टॉप रिकॉर्ड।